दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी गेमिंग। ये हमारी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 6 और आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने। ओके, तो जल्दी से मैं फर्स्ट पर्सन मोड में आ जाता हूँ। अरे फर्स्ट पर्सन भाई। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं फर्स्ट पर्सन मोड में आ गया हूँ। अब हम नेदर फोर्ट्रेस में चलते हैं, मतलब चलते नहीं हैं, ढूंढते हैं। नेदर का हमारा वर्ल्ड जनरेट हो रहा है। तो अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो उस एपिसोड में हमने नेदर में गए थे। वो घास्ट क्या कर रहा है भाई, लावा में नहा रहा है क्या? वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे कि आपको याद होगा कि हम पिछले एपिसोड में ये ब्रिज बना दिए, मतलब ब्रिज बना लिया था हम लोग, मैंने क्योंकि ये ब्रिज पहले नेदर रैक का था, उसको फिर कबलस्टोन कर दिया हमने, क्योंकि ये घास तोड़ रही थी। ये घास को मैं एक तो एरोज भी लेके नहीं आया, इसकी अटैक से इसको ही मारना पड़ेगा। हाँ, ओ नहीं, मारा तो सही लेकिन उसको लगा नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो हमारे कोऑर्डिनेट्स मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ नेदर के। यार लग रहा है मैं मरने वाला हूँ भाई। यार घास बहुत परेशान है, बहुत दुखी करता है घास। चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो। सबसे पहले तो मैं नेदर के कोऑर्डिनेट्स का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे तो हमको हमारा बेस नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मैंने तो स्क्रीनशॉट्स ले लिए हमारे बेस की। अब हम लोग किधर भी जाएंगे तो हम घूमेंगे नहीं, कोऑर्डिनेट्स हैं। और आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जो मेरा लेफ्ट साइड है, मैं जब भी चलता हूँ तो एक प्लेयर दिखता है। वो प्लेयर मैंने उसको इसलिए लगाया है ताकि अगर हम आर्मर पहनेंगे तो अगर हमारा आर्मर टूटेगा तो प्लेयर में दिख जाता है ऐसे, इसीलिए मैंने इसको लगाया है। यार मैं घास से पंगे क्यों ले रहा हूँ भाई, आ जा भाई, मार तू मार। ये बॉय, ये देखा, पीरो इंसान बोलते, पीरो इंसान। एक घास तो डाउन है, इसको अगर मैं नीचे गिराऊंगा तो ये मरेगा क्या? No, God, please, no! पता नहीं no! मरा कि नहीं, लेकिन नीचे गिर गया वो। नेदर फोर्ट्रेस किस साइड मिल सकता है हमको, देखना पड़ेगा। मैंने गोल्ड का हेलमेट भी नहीं पहना है, अगर पिगलिंस मिले तो मारेंगे। यहाँ पे ग्लोस्टोन है, कुट 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 कुट, और इतना बड़ा लावा लेके नेदर फोर्ट्रेस मिल सकता है। अरे मेरा खाना कितना कम हो गया, मैंने खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, वो ये बना के ले आते हैं एक हेलमेट गोल्ड का। उसके लिए तो सबसे पहले गोल्ड माइन कर लेते हैं यहाँ पे जितना भी है। मेरे को लग रहा है कि इसके नीचे ब्लॉक नहीं है। हाँ, आराम आराम से करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नीचे गिरा तो सीधा ही मर जाऊँगा। ये एक्सपी भी देते हैं जो कि अच्छी बात है। ओके, 16 गोल्ड मिल गया, मतलब नगेट्स, गोल्ड के नगेट्स। थोड़ा सा क्वार्ट्स नहीं, अभी क्वार्ट्स की ज़रूरत नहीं है, गोल्ड इज़ मेन प्रायोरिटी। ठीक है, जितना गोल्ड मिले भाई सब चुग लो। ओके, ब्लॉक है नीचे, मेरे पास एक तो सैडल भी नहीं है ना। वो स्ट्राइडर नाम का एक मॉब आता है, उसके ऊपर सैडल लगा के रैप्ड फंगस ऑन अ स्टिक लगा देते हैं तो लावा पे चलता है। मेरे पास सैडल भी नहीं है तो मैं तो भाई वो भी नहीं कर सकता अभी। तो फिर सबसे पहले गोल्ड का ही हेलमेट बना के लाते हैं। अरे यार अभी अटैक करेगा,
अरे भाई यार ये मारेगा भाई, खास्ट मारेगा मेरे को। वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे इसको स्टेयर्स को, अच्छी बात है। ये थोड़ा लैगी हो जाता है यार गेम नेदर में, पता नहीं। ये देखो ऐसा ब्लॉक प्लेस करो तो कितने टाइम बाद आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अरे यार कहाँ गया, कहाँ हूँ मैं तो समझ में भी नहीं आता कि कहाँ हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से मिलता हूँ ये गोल्डन हेलमेट तो बनाने के। आप लोग देख रहे हैं मैंने ये दो स्टैक के कबल स्टोन ले लिया, मतलब दो स्टैक के नहीं, दो स्टैक कबल स्टोन ले लिया और एक गोल्डन बूट्स बना लिए ताकि वो पिगलिंग्स हमको ना मारे। और मैंने कबल स्टोन इसलिए लिया क्योंकि हम वो लावा लेक के ऊपर वो ब्रिज बनाने वाले हैं, इसीलिए। तो जल्दी से नेदर में चलते हैं। नेदर में आते से ही सबसे पहले आवाज़ आती है घास की, कोई बात नहीं। ये मेरा ये नेदर का स्लाइम है। अरे भाई इसके छोटे मोटे खतरनाक मार डालेगा ये छोटा। तो एक तो इतना लैगी हो रहा है ना नेदर जैसे ही आता हूँ मैं, अब ठीक है। ये घास इतना नीचे आया, मैं इसको स्वॉर्ड से मार सकता हूँ क्या? ऑलमोस्ट मैंने ये घास को स्वॉर्ड से मार दिया, लॉल। इसका एक्सपी भी मिल गया। और कुछ मिलता है घास से? नहीं इतना ही। मेरे गोल्डन बूट्स भी जल्दी टूटने वाले हैं यार, मैं बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं लेके आया। अच्छा हुआ देखो मैंने गोल्डन बूट्स पहन लिया, यहाँ पे पहले से पिगलिन खड़ा था। सही है सही है। मैं सोच रहा हूँ कि अपना वो रास्ता यहाँ से बनाऊँ क्योंकि ये लावा लेक बहुत बड़ा दिख रहा है मेरे को। अभी ग्लोस्टोन भी है, अच्छा है। एक कबल स्टोन रख दिया। अगर मैं यहाँ से नीचे कूदूंगा तो क्या मरूंगा मैं? देखते हैं। अरे भाई 3 2 1 के चार हार्ट्स, लिटरली चार हार्ट्स। अगर वो घास्ट में कोई एक शॉट भी मार देगा तो मैं मर जाऊंगा। आई थिंक ये वाला ब्लॉक, हाँ ये वाला ब्लॉक ठीक है लग रहा है। ये ब्लॉक से बिल्डअप करना चालू करते हैं। मेरे को घास का बहुत डर लग रहा है, अगर एक भी अटैक मारेगा तो मैं सीधा नीचे गिरूंगा। के कुछ ज़्यादा ही बाजू में आ गया मैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसका भी सलूशन है। इसको लो ऐसे ऐसे। ये टावर तोड़ते तोड़ते हम लोग ये टावर को बिल्ड करते जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा और नहीं कर सकते क्या? तोड़ते जाओ बिल्ड करते जाओ, ऐसे 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 ऐसे। एक तो नेदर में भाई भूख भी बहुत लगती है। इसको बिल्ड कर सकता हूँ क्या? ऐसा एक छोटा सा एक लाइन निकाल देता हूँ ताकि ऊपर से बिल्ड कर पाऊँ। के हाँ ठीक है, एक ब्लॉक ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पे और वहाँ पे, यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। सही है सही है, अच्छे से बिल्ड कर रहा हूँ मैं। बस आसपास का एरिया थोड़ा लावा लावा से भरा है।
मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बिल्ड कर रहा हूँ ताकि मेरे ज़्यादा कबरस्टोन खर्च ना हो और ये जल्दी से ज़मीन पे भी आ जाए। ओके, हो गया, ये बिल्ड हो गया। हाँ, अब इससे मैं ऊपर भी जा सकता हूँ और नीचे भी आ सकता हूँ। अभी हमें लावा के ऊपर ब्रिज बिल्ड करना चालू करते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ जब अगर मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा या फिर जब मेरे कबलस्टोन ख़त्म हो जाए। मेरा अभी मैं जस्ट जैसे ही मैंने बोला कि कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है मैं आपसे मिलता हूँ, उसके जस्ट 2 सेकंड बाद मैं लावा में गिर गया और मेरा पूरा सामान गया। वेरी गुड, वेल डन भाई, पूरा मेरा सामान गया पूरा। देखते हैं अभी कुछ बचा है कि नहीं। और इस बार मैं कोई सामान भी लेके नहीं आया क्योंकि अगर मैं मरूंगा तो फिर मेरे को वापस अपना सामान नहीं खोना है, इसीलिए देखते हैं अभी कुछ सामान बचा है क्या। अरे भाई सही में यार, मेरा गोल्ड का हेलमेट भी गया, वो मेरा एक ही हेलमेट था। अगर वो बच जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो लो भाई ये घास भी परेशान कर रही है यार। एक तो वैसे भाई ज़िंदगी में दुख है ऊपर से, और भाई कितनी देर तक लगे रहेगा भाई। नीचे वो एक बदसूरत भी खड़ा है। लो भाई मेरा सामान दिख तो रहा है लेकिन क्या क्या है उसमें पता नहीं भाई। बचा ले। ओके, मेरे टूल्स हैं, मैं इसको लेके वापस चल रहा हूँ। भाई तू साइड हो। हाफ आर्ट। यार ये वाइट के हो गए। हाँ भाई पूरा सामान गया। एक तो गोल्ड का हेलमेट भी नहीं बना सकता मैं अभी। एक स्टोन की स्वॉर्ड लेके चलता हूँ, थोड़ा सा कबल स्टोन पहले और स्टिक्स। यार पूरा सामान चला गया भाई। एक स्वॉर्ड स्टोन की बस। यार सही में नज़र में मैं गया ही क्यों। Why is nether so much dangerous? सही में यार अगर उतना सामान मेरे को वापस मिल जाए ना तो उससे अच्छी बात कुछ और नहीं होगी, नहीं तो यार फिर दिमाग खराब हो जाएगा यार मेरा। ब्रो और एक तो इतना घटिया स्पॉन मिला है ना भाई नेदर में, ना कोई फोर्ट्रेस के पास ना कोई बैशियन के पास। एटलीस्ट फोर्ट्रेस से बैस्टियन पास में होता तो कुछ खुशी तो भी होती, कुछ खुशी नहीं है भाई, कुछ खुशी नहीं है। घास पूरा परेशान कर रही है भाई। अरे यार ये लो भाई, लो 2 हार्ट्स पे बचा हूँ मैं। क्या कुछ भी नहीं बचा मेरा सामान भाई। कुछ भी सामान नहीं बचा यार। एक काम करता हूँ, एक स्टोन की पिकैक्स लेके आ जाता हूँ, वही यहाँ से नेदर एक्स माइन कर करके चलूँगा। खाना भी नहीं है भाई एक तो मेरे पास, पता नहीं भाई क्या होने वाला है। ले भाई तू और मार ले।
सारा एक्सपी जा रहा है भाई, सारा सामान जा रहा है। अरे भाई कभी वो घास्ट कभी ये घास्ट, भाई दोनों तरफ से हमला कर रहे हैं। ओ मेरे को लगा कि मरने वाला हूँ मैं। सही में भाई लूट गए आयरन का पूरा सामान गया। अब मैं आयरन का सामान भाई लूंगा ही नहीं नेदर में, सिर्फ स्टोन के सामान से काम चलाएंगे हम। वापस ओवरवर्ल्ड में चलो और देखते क्या होता है फिर। रात हो रही है भाई। ओके तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढने के बाद। बाय। तो गाइस मैं भाई ऑफ कैमरा इतनी बार मरा हूँ मैं बता नहीं सकता। सीरियसली माइनक्राफ्ट खेलने का मन नहीं हो रहा है अभी मेरे को। शायद हम ये फोर्ट्रेस ढूंढने का काम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करें। तब तक के लिए मैं आपको प्रोग्रेस दिखा देता हूँ कि मैंने कितना बिल्ड किया था और कितना नहीं किया। इतना बिल्ड करने में मैं कितनी बार मरा हूँ पता सिर्फ मेरे को ही पता है। ओके घास है यहाँ पे। ले ओ भाई मार ले मार ले मार ले भाई मार ले मार ले मार ले मार ले मार ले ना भाई मार हमार में कुमार भाई। सही में यार पूरा दिमाग खराब हो चुका है यार। इतने बार मरा ना मैं, इतने बार पूरा सामान जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। पता नहीं भाई नेदर फोर्ट्रेस कब मिलेगा। इतना मैंने ब्रिज बिल्ड किया था, फिर मेरे को यहाँ पे एक एरिया मिल गया था तो मैं यहाँ पे चढ़ के ऊपर देखा कि क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और फिर वहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत बिल्ड किया और वहाँ पे मैं मर गया वापस। आई थिंक एटलीस्ट मैं ये एपिसोड में करीब 10 बार मरा हूँ। ऑन कैमरा तो शायद से 2-3 बार ही मरा हूँ, ऑफ कैमरा तो भाई पता नहीं कि कितना मरा हूँ। और अभी भी मैं वापस मरने ही जा रहा हूँ। ये ब्रिज हाँ हमारे वो नेदर पोर्टल के पीछे एक वो वाला बायोम है ना, सोल सैंड वाला, तो उसको अभी एक्सप्लोर करेंगे हम। उसमें भी मर ही जाएंगे भाई, वैसे भी कोई सामान लेके नहीं आया हूँ मैं, तो मर भी जाऊँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही में भाई इतना कौन मरता है यार। ये ले भाई तू भी मार ले, अब ये भी मारेंगे। मार लो भाई मार लो। भाई सही में यार भाई प्लीज। अच्छा तू है, आ जा भाई मार ले। आ जा आ जा आ जा आ जा, वो चढ़ने नहीं देंगे। और वैसे वो बायोम इधर से चालू हो ही रहा था, यहाँ पे ख़त्म हो गया। बोन ब्लॉक है ये वाइट वाइट, वो पिगलिंस ने मेरा पीछा छोड़ दिया, अच्छी बात है। अगर मैं ऊपर चढ़ गया ना जल्दी से तो फिर मैं फट से चला जाऊँगा बायोम के अंदर। भाई क्या तीर चल रहे हैं यार भाई। एक तो मेरा हंगर बार भी ख़त्म होने वाला है यार। जल्दी जल्दी चल भाई, जल्दी 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 भागो। हाँ ये है वो बायोम। अब तो मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ भाई, खाना भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है। अरे क्या कॉम्बिनेशन है भाई, ये देखो। अरे लो भाई जलना नहीं था भाई,
ये आग ही मार डालेगा मेरे को। और सामने स्केलेटन है, या तो स्केलेटन मार देगा नहीं तो ये आग मार देगी। ये स्केलेटन मारने वाला है। तो भाई अब कुछ भी नहीं कर सकते, सब गया, एवरीथिंग इज ओवर। अब देखेंगे भाई अगले एपिसोड में वापस जाएंगे नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने, क्या कर सकते हैं यार सही में। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपने देखा यार कितनी बार मरा भाई मैं नेदर से, में बहुत अनलक्की है मेरे लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले नए गेमिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।